हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर बटर मसाला। तो इसके लिए मैंने ये 250 ग्राम पनीर ले लिया है, इसको ऐसे पीसीज में काट लिया मैंने। साथ ही मैंने एक प्याज लिया है, ये इसको भी चॉप कर लिया मैंने। ये थोड़े से काजू लिए हैं, इनको मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। और दो टमाटर हैं, ये लहसुन अदरक है, दो हरी मिर्च है, थोड़े से मैंने ये हरे धनिया के जो है डंठा लिए हैं, और दो चम्मच मलाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टमाटर की ग्रेवी बनाएंगे। तो ये टमाटर को मैंने ऐसे चॉप कर लिया था, इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे ये लहसुन और अदरक, हरी मिर्च और ये धनिया के डंठल। साथ ही इसमें मैं ये काजू भी मिक्स कर दूंगी। और साथ ही इसमें डाल देंगे ये छोटा चम्मच धनिया पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च। इन सबको ग्राइंड कर लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने टमाटर का ये फाइन पेस्ट बना के रख लिया। सबसे पहले पैन में थोड़ा बटर डाल के हम पनीर को टोस्ट करेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्च मिक्स कर दूंगी ताकि इसका कलर थोड़ा आ जाए। इसमें ये देखिए, पनीर हमारा टोस्ट हो गया है। अब हम इसको साइड पर रख देते हैं और ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, अब मैं इसमें ये बटर डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, साथ में इसमें ये कटे हुए प्याज डाल दूंगी। प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है हमें। ये देखिए, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी कश्मीरी मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा डालूंगी ये सूखा धनिया। साथ ही इसमें डाल देंगे ये नमक। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने जो इसमें डालनी थी उसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है, तीन बार, आधा आधा चम्मच तीन बार डाला है इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का। पहले टमाटर की ग्रेवी में डाला मैंने, उसके बाद थोड़ी सी मैंने पनीर को टोस्ट करने के लिए तब डाला, और अब थोड़ा सा मैं इसमें प्याज के मसाले में डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं ताकि ये जले नहीं। इसको दो तीन मिनट के लिए भूनेंगे। ये देखिए, प्याज हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर वाली ग्रेवी जो हमने बनाई थी, लहसुन अदरक टमाटर और काजू सब मिक्स करके। इसमें हरी मिर्च भी डाली थी। अब इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें डाल देते हैं ये मलाई, 2-3 मिनट के लिए और इसको भूनेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया, बिल्कुल जैसे ढाबों से मिलता है बटर पनीर। अब हम इसमें ये पनीर डाल देते हैं। बस 2-4 मिनट और इसको करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है। इसमें धनिया डाल देते हैं। कुछ लोग इसमें चीनी का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी डालते हैं, क्योंकि वो टमाटर खट्टे अगर होंगे तो थोड़ी सी चीनी डालनी पड़ेगी। बट मैंने जो टमाटर लिए हैं वो बिल्कुल भी खट्टे नहीं थे, तो इसलिए मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। तो चलिए सर्व करते हैं इसको।